मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों ने सरगर्मी बढ़ा दी है। भोपाल में युवक के साथ हुई क्रूरता पर सीएम शिवराज अधिकारियों से नाराज हैं। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाश लड़के एक युवक के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में जिस युवक के गले में कुत्ते का पट्टा डाला गया, उसका नाम विजय है, और उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे कुछ मुस्लिम आरोपी साहिल, फैजान, बिलाल, समीर और मुफित खान है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश युवक के गले में पट्टा डालकर उसे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कह रहे हैं, और ऐसा ना करने पर युवक को बेल्ट से बुरी तरह पीट रहे हैं। पीड़ित युवक आरोपियों से माफी मांग रहा है और उनके सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है, लेकिन बदमाशों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाश पीड़ित युवक को धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहे हैं। घटना के बाद बजरंग दल ने राजधानी भोपाल में जोरदार हंगामा किया। वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच में निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब सीएम शिवराज ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर धर्मांतरण गैंग और गुंडे बदमाशों को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। राज्य में लगातार बढ़ते धर्मांतरण और गुंडा राज पर भड़के सीएम शिवराज ने कहा, गड़बड़ कोई भी करे, एमपी में हम धर्मांतरण और गुंडागर्दी का कुचक्र नहीं चलने देंगे। असामाजिक तत्वों और बदमाशों का ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ द्वारा अधिकारियों को धमकाने के मामले में सीएम शिवराज चौहान ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कौन से युग में जी रहे हैं कमलनाथ, अधिकारी और कर्मचारी भी इंसान है, उन्हें भरी सभा में इस तरह बेइज्जत करना सही नहीं है। क्या आप कर्मचारियों को डराने धमकाने की भाषा बोली जाएगी?